हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 3x को पूरा में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद 5y का नंबर आएगा। तो पहले हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 7y में। जब ये हो जाएगा तो अगला मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, प्लस 5y और फिर 5x माइनस 7y। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 5x माइनस 7y को दो बार लिखा गया है। अगर मान लिया जाए इसमें टर्म कुछ ऐसा होता, सपोज कि यहां पर तीन टर्म होता, मान लेते हैं 2xy माइनस ये, और अब हमें मल्टीप्लाई करना होता, तो क्योंकि हम क्या देखते हैं यहां पर एक नहीं वन टू और थ्री टर्म है, और ये तीनों के तीनों टर्म इससे मल्टीप्लाइड होंगे, तो हमें तीन बार लिखना होगा। मसलन 2xy जो पहला टर्म है गुना होगा 5x माइनस 7y के साथ, हो गया। अगला टर्म क्या है, माइनस 3x है, देख लो माइनस 3x है, ये मल्टीप्लाइड होगा 5x माइनस 7y के साथ। अगला टर्म क्या है, प्लस 5y जो मल्टीप्लाइड होगा 5x माइनस 7y के साथ। और अब हम लोग जो जनरल रूल है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये टर्म और ये टर्म गुना करो क्या जाएगा, 10x²y, और ये हो जाएगा माइनस 14xy², फिर माइनस 15x² माइनस माइनस प्लस 21xy प्लस ये दोनों 25xy और प्लस माइनस माइनस 35y². ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, x²y कहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, तो ये तो वैसे ही लिख दिया जाएगा। x²y कहीं पर नहीं है, x² कहीं पे नहीं है। अब देखो ये और ये जो दोनों टर्म है दोनों में सेम वेरिएबल है, तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, यानी दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद 46xy आएगा, और वो हो जाएगा 35y² और ये हो जाएगा आंसर।